तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन की कॉलिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अब कॉलिंग टेक्नोलॉजी मतलब आप किसी को फ़ोन लगाते हो ना, तो आखिर आपकी वो बात हो कैसे पाती है? आपने यहाँ से किसी को फ़ोन लगाया एंड वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका फ़ोन वहाँ पे रिंग होने लगता है एंड आप एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा आसानी से बात कर लेते हो, तो आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? तो इस वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करेंगे एंड इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा एंड काफी सारे एग्जांपल्स देकर भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो जरूरी नहीं है जैसा मैंने समझाया है वैसा ही होता हो, हाँ, लेकिन प्रोसेस वो ही होती है, बस उसको मैंने थोड़ा सा सिंपल तरीके में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होगा कि आपको अगर किसी को फोन करना है तो आपके पास एक सिम होनी चाहिए, जियो, एयरटेल, BSNL, आपके पास कोई सी भी सिम एक होनी चाहिए। एंड आपको ये भी पता होगा कि जब आप सिम खरीदने जाते हो ना, तो आपको वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, लेट से आधार कार्ड। एंड आधार कार्ड जब आप उनको देते हो ना शॉपकीपर को सिम खरीदने के लिए, तो आपका एड्रेस उस सिम में सेव हो जाता है, मतलब कि सिम को ये पता रहता है कि ये किस एड्रेस पर है। तो अब आपने यहाँ से किसी को फ़ोन लगाया, मान लीजिए आपने दिल्ली से अपने दोस्त को फ़ोन लगाया जो कि रहता है मुंबई में ही, तो आपने यहाँ से जब फ़ोन लगाया तो एक सिग्नल जाएगा टावर को एंड बस आपके इस मोबाइल फोन से टावर तक जो सिग्नल जाता है ना, बस वो ही रहता है वायरलेस, मतलब कि उसमें कोई भी तार का इस्तेमाल नहीं होता है। एंड इसके आगे जो प्रोसेस रहती है ना, वो पूरी की पूरी वायर्स के थ्रू ही होती है। आपने यहाँ से अपने दोस्त को दिल्ली से फोन लगाया एंड आपके घर के आसपास जो टावर होगा उसके पास जाएगा सिग्नल, वो सिग्नल जाएगा जमीन में एंड जमीन में जो मतलब टावर है ना वो वायर से कनेक्ट होगा, उन वायर्स के थ्रू वो सिग्नल जाएगा मुंबई के टावर के पास एंड जहाँ आपका दोस्त जिस एरिया में रहता होगा उस एरिया के टावर के पास वो सिग्नल जाएगा एंड फिर वो टावर आपके दोस्त के फोन तक सिग्नल पहुंचेगा एंड ऐसे आपके दोस्त का फोन रिंग होने लगेगा। आप में से कुछ लोगों ने ये नोटिस किया हो कि कभी कभी हम फोन लगाते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए ऐसे टुक टुक आवाज सुनाई देती है, हाँ, तो वो जब टुक, हालांकि ये मतलब बहुत रेयरली सुनाई देती है, तो जब ये टुक टुक की आवाज सुनाई देती है ना, तो इस चक्कर में आपका जो टावर है ना वो ढूंढ रहा होता है कि आपने जिस मतलब बंदे को फोन लगाया है वो इस समय है कहाँ। एंड ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। काफ़ी बार तो आपने इधर से फोन मतलब डायल ही किया नंबर एंड तुरंत फोन लग जाता है, तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एंड हाँ, एक और बात, आप लोगों ने देखा होगा कि जो टावर रहते हैं ना उन पर दो टाइप के एंटीनास लगे रहते हैं, एक तो लंबे वाले एंटीनास एंड एक वो गोल वाले एंटीनास। तो लंबे वाले और गोल वाले एंटीनास का काफ़ी ज़्यादा अलग अलग काम है। तो जो लंबे वाले एंटीनास रहते हैं ना वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट सिग्नल भेजते हैं आपने जिसको फोन लगाया है, मतलब कि आपने मुंबई में फोन लगाया है ना, तो आपका जो जहाँ दोस्त रहता है उस एरिया में जो भी टावर होगा ना, वो टावर वो लंबे वाले एंटीनास आपके दोस्त के फोन तक सिग्नल भेजेंगे। एंड गोल वाले एंटीनास क्या करते हैं, मान लीजिए आपका दोस्त मुंबई में नहीं है, आपका दोस्त मान लीजिए गोवा में है एंड लेकिन जो उसकी सिम है ना उसमें तो एड्रेस सेव्ड है मुंबई का, तो ऐसे में वो गोल वाले एंटीनास क्या करेंगे, वो सर्च करेंगे कि आपका दोस्त कहाँ है एंड जैसे ही उसको पता चल जाएगा कि आपका दोस्त गोवा में है तो वो उस गोवा वाले टावर तक सिग्नल भेज देंगे जहाँ आपका दोस्त होगा। एंड ये सिग्नल भी जमीन के थ्रू ही जाते हैं, ये डायरेक्ट मतलब हवा में सिग्नल नहीं चले जाते, ये सिग्नल भी नीचे वायर्स के थ्रू सिग्नल जाते हैं गोवा तक, जहाँ जैसे ही गोवा तक वो सिग्नल पहुँच जाएंगे तो जो लंबे वाले एंटीनास रहते हैं ना वो आपके दोस्त तक सिग्नल पहुँचा देंगे कि इसका फोन आया है एंड उसका फोन रिंग होने लगेगा। एंड इसी के बाद ये तो हो गए मतलब वायर्ड फोन, इसी के साथ साथ एक और फोन्स रहते हैं जिनको बोलते हैं सैटेलाइट फोन्स। एंड ये सैटेलाइट फोन्स काफी ज्यादा मतलब बुरे रहते हैं, मतलब काफी ज्यादा कम अच्छे रहते हैं एंड इन फोन्स को हम आम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। इन फोन्स के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर मैं इस वीडियो में सैटेलाइट फोन्स को कवर करूंगा ना तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड सैटेलाइट फोन्स नॉर्मली जो आर्मी वगैरह वाले लोग रहते हैं, जो सोल्जर्स रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर सैटेलाइट फोन्स को यूज़ कर सकते हैं एंड सैटेलाइट फोन्स अच्छे भी रहते हैं बुरे भी रहते हैं। सैटेलाइट फोन्स को मैं आपको अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।